नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज अरविंद शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के टॉप क्वेश्चन। ये सभी दोस्तों टॉप क्वेश्चन होंगे। वी एट प्रवेश परीक्षा में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कुछ इनमें से ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो वी एट प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास को ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आप लोग क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन दिए गए हैं तो आप लोग ऑप्शन पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो ये कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा ये पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आपकी स्क्रीन पर है। आपको एक तरफ देश दिए गए हैं और एक तरफ दी गई है राजधानी, तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन गलत है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर दो के लिए। देखिए पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया रबात। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा है, और रबात ये मोरक्को की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा केन्या की राजधानी नैरोबी है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और डेनमार्क की राजधानी कोपेहेगन है। तो आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, चारों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, विद्या देवी भंडारी ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों विद्या देवी भंडारी ये नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम नेपाल की बात करें, भारत का पड़ोसी देश आप लोग भी जानते होंगे दोस्तों नेपाल, राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, सभी लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ बर्ज का स्थान है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दार्जिलिंग। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों दार्जिलिंग इसके नाम का अर्थ क्या है, वज्र का स्थान, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि दार्जिलिंग ये किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है भारत खंडे संगीत महाविद्यालय ये कहाँ पर है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों भारत खंडे संगीत महाविद्यालय ये लखनऊ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है काबरती ये कहाँ की राजधानी। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों काबरती लक्षद्वीप की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करें, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, दिसपुर असम की राजधानी है, और दोस्तों पटना ये बिहार की राजधानी है। तो आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, चारों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सात आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है नेपाल की करेंसी। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर सात के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं तो आप लोग ऑप्शन पढ़ के आंसर दीजिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रुपया। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाली रुपया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर सात का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आठ आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
अब देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बारे में आप लोग याद रखिए, दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाला फेंक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नीरज चोपड़ा, इनका संबंध भाला फेंक से है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें, इन्होंने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता, आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका राइट आंसर है वेरी गुड। देखिए, अगर हम लोकसभा की बात करें, सबसे अधिक लोकसभा सीट्स कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80 हैं, आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम ये लखनऊ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है शब्द ग्रैंड स्लैम ये दोस्तों किस खेल से संबंधित है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी टेनिस, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी वॉलीबॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टेनिस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ग्रैंड स्लैम शब्द ये दोस्तों टेनिस से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है सबसे बड़ा नदी द्वीप ये कहाँ पर स्थित है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सबसे बड़ा नदी द्वीप ये कहाँ पर है भारत में, नाम क्या, आप लोग याद रखिएगा मांझली। अब दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा असम है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है पोंग बांध किस नदी पर बना है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्यास नदी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पोंग बांध ये ब्यास नदी पर बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है तीरंदाजी ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी भूटान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भूटान। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। तीरंदाजी ये भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है हेमिस नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिएगा, और दोस्तों आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लद्दाख। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों लद्दाख में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है विशाखापट्टनम कहाँ पर है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के, ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, अब आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है नील नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विक्टोरिया झील। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नील नदी का उद्गम ये दोस्तों विक्टोरिया झील से हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्थनोलॉजी। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्थनोलॉजी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। इसी प्रकार से सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, सरल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। आपको बताना है गुलाबी नगर के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए पणजी, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जयपुर। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का शहर है पणजी, गोवा की राजधानी आप लोग जानते भी होंगे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी किनारे बसा हुआ शहर है, और दोस्तों कानपुर ये भी उत्तर प्रदेश का शहर है और इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है शब्द गुगली ये किस खेल से संबंधित है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्रीकल्चर शॉट ये किस खेल से संबंधित है, तब भी आप लोग याद रखिएगा ये भी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित शब्द है। चलिए जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार बताया भी है, आपको बताना है भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अन्ना जॉर्ज। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। तो आप लोग याद रखिएगा भारत की पहली महिला आईएएस कौन है, अन्ना जॉर्ज है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है नंदा देवी चोटी ये किस राज्य में है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नंदा देवी चोटी ये उत्तराखंड में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है नागपुर ये किस राज्य का शहर है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए दोस्तों। नागपुर इसे ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है साइलेंट वैली ये किस राज्य में स्थित है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी केरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। साइलेंट वैली ये केरल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको बताना है मधुशाला ये किसकी कृति है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
हरबंस राय बच्चन, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मधुशाला, ये हरबंस राय बच्चन की कृति है इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। देखिए, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय जय भारत, वंदे मातरम।